हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू एनएलबी। प्यारे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फिलोकिनो के ऊपर। हम देखने की कोशिश करेंगे भाई फिलोकिनो वाला हाला किस तरह मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या क्या कंडीशन फिलोकिनो में देखने को मिल रही है, क्या क्या अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है, फिलोकी का जो INR का जो पेयर देखने को मिल रहा है तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। इट मीन कि हम सारी सारी जो बातें हैं वो फिलोकिनो और वलाला के ऊपर ही करने जा रहे हैं। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ मूव करूं, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूं, आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल देन व्हाट आर यू डूइंग नाउ, जल्दी जल्दी जाके सब्सक्राइब के बटन को दबाएं, साथ में बेल के आइकन को दबाएं ताकि फिलोकिनो हो या कोई भी कॉइन उसके रिलेटेड कोई भी अपडेट, कोई भी न्यूज़, कोई भी कंटेंट, कुछ भी निकल गया वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस चीज़ को मिस ना कर सके। सो यहाँ पे विदाउट बीइंग वेस्टिंग इन टाइम बात करेंगे वलाला की। जी बिल्कुल, 121 नंबर पे ये हमें रैंक करता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारे जीरोस के बाद, यानी 0.40 है, उसके बाद 2984 की करंट प्राइस हो रही है। 17.2% जो है वो डाउन जा चुका है, बीटीसी के हिसाब से 9.6% डाउन जा चुका है और इथेरियम के हिसाब से ये 8.6% जो है वो डाउन जा चुका है। वहीं पर अगर हम देखें तो भाई इसलिए अपने ऑल टाइम हाई से 90.99% जो है वो डाउन ट्रेंड की तरफ जा चुका है। ये एनुअली अगर देखें तो एक साल के हिसाब से ये 5.8% डाउन जा चुका है, पिछले 30 दिनों में 7.3% डाउन जा चुका है, पिछले 14 दिनों में 39% जो है वो डाउन जा चुका है और तकरीबन 33.2% ये 7 दिनों में डाउन जा चुका है और 24 घंटों में ये 17% डाउन जा चुका है। ओवरऑल आपने देखा होगा कि भाई इनिशियली जनवरी में ये एक अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन ओवरऑल हमने देखा कि एक अभी जो मार्केट है उसमें जैसे ये बेयरिश गई है तो हमने देखा है कि जो बेबी डोज कॉइन हो या फिलोकिनो तो उनमें हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड की भी देखने को मिला है। तो वहीं पे अगर हम मार्केट की बात करें, जो हमारा बिटकॉइन है वो 7.8% डाउन है, अभी 20,000 से बिलो मूव कर रहा है। इथेरियम 1400 से बिलो मूव कर रहा है, तकरीबन 8.9 पे चल रहा है। वहीं पे BNB 6.6% जो है डाउन जा चुका है, XRP 7.4%, गार्डन 2.7% और ये डोज कॉइन 9.9% डाउन जा चुका है। तो ओवरऑल जो कॉइन है वो इन्हीं हालात के साथ हमें मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपके साथ फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स शेयर करूं तो भाई 34 स्कोर के साथ जो हमें मार्केट देखने को मिल रही है फेयर में देखने को मिल रही है, जो कल भी 44 स्कोर के साथ फेयर में थी और लास्ट वीक तकरीबन 50 स्कोर के साथ हमें जो मार्केट थी वो न्यूट्रल में मूव करती हुई दिखाई दे रही थी। और अगर लास्ट मंथ की मैं बात करूं तो 58 स्कोर के साथ हमें मार्केट ग्रीड कंडीशन में देखने को मिली थी। तो ये ओवरऑल मार्केट के हालात है। इन्हीं हालात के साथ अगर मैं बात करूं फिलोकिनो को लेकर तो क्या क्या अपडेट देखने को मिल रही है, तो भाई फिलोकी लॉन्च गिव अवे फॉर न्यू ट्रेडर्स ऑन वजीर एक्स एक्सचेंज। जी बिल्कुल, वजीर एक्स एक्सचेंज के लिए इन्होंने फिलोकिनो एक प्राइस पूल रखा हुआ है जो न्यू यूजर्स हैं, जो न्यू ट्रेडर्स हैं उनके लिए। जी बिल्कुल, न्यू यूजर्स ऑन वजीर एक्स एक्सचेंज कैन विन फ्रॉम अ प्राइस पूल ऑफ 5,000 USDT when they trade Floki token। जी बिल्कुल, जो नए यूजर्स है वजीर एक्स पे वो तकरीबन जैसे ही Floki की ट्रेडिंग करेंगे तो वो तकरीबन 5,000 की जो प्राइस पूल रखा गया है तो उसमें से वो विन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज हमें देखने को मिल रही है, साइन अप एंड अर्न। जी बिल्कुल, Floki के साथ और वजीर एक्स के साथ दोनों की हमें एक अच्छी खासी कोलाब्रेशन देखने को मिल रही है, तो ये एक अच्छा मूव Floki की तरफ से हमें देखने को मिला। वहीं पर अगर मैं मजीद आपके साथ शेयर करता चलूँ तो भाई जो Floki जो ऑफिशियली अनाउंस किया गया, इट्स ऑफिशियल, यू कैन नाउ बाय सेल ट्रेड Floki विथ INR करेंसी ऑन इंडियाज बिगेस्ट एंड मोस्ट रिकग्नाइज एक्सचेंज वजीर एक्स। जी बिल्कुल, वजीर एक्स जो इंडिया के मोस्ट जो पहले नंबर पर रिकग्नाइज एक्सचेंज कंसीडर की जाती है, अब वहां से जो आप अपने जो इंडियन रुपीज है उसकी मदद से आप Floki इनको बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि भाई Floki इनो को अब लोकल करेंसीज में भी अडॉप्ट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेविड गॉक्सन की तरफ से भी ट्वीट किया गया, इफ़ यू आर अ प्रोजेक्ट ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी आई थिंक यू टू लुक एट द ब्लूप्रिंट Floki हैज बिल्ट। जी बिल्कुल, अगर आप अपने प्रोजेक्ट की कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं तो आप Floki का जो ब्लूप्रिंट है उसको देखें, जो डेविड की तरफ से ये हमें ट्वीट देखने को मिला। ओवरऑल जो Floki है वो काफ़ी एक अच्छी पोजीशन में है, काफ़ी अच्छा मूव कर रहा है, काफ़ी कोशिशें कर रहा है कि खुद की प्रोजेक्ट में नई नई यूटिलिटीज़ देखने को मिले, नई नई चीज़ें देखने को मिले। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप Floki के बारे में क्या सोचते हैं। मुझे उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो थी लेकिन आपको पसंद आई, और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है। पीस, थैंक यू।